हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स का लेक्चर नंबर 21, ठीक है ना। आज का जो हमारा लेक्चर है ए बेस्ड है, न्यूमेरिकल है, टोटल यानी कि बैटरी वाला कंडीशन, बैटरी को जोड़ दिया गया, हटा दिया गया, तब दैट टाइम में क्या प्रभाव पड़ता है, वो हमने मतलब कि प्रूव कर लिया है सारे फार्मूलों को, और हम देखते हैं उस पर कुछ न्यूमेरिकल बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे ताकि आपको कहीं से कोई डाउट ना हो। तो रात के 11:15 इस समय हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि नींद आ नहीं रही है। नींद क्यों नहीं आ रही है, इसकी भी वजह कुछ होगी, ठीक है ना। ऐसे कह सकते हो कि एक काम करने का जुनून है, ठीक है ना, मेरे अंदर, और यह आपके अंदर भी होना चाहिए। कोई भी काम करो तो टाइम को मत देखो आप, ओके। टाइम कुछ भी हो, काम करना है तो करना है, ठीक है ना। सफलता का एक अच्छा रास्ता है कि अपने आप को बिजी रखो अच्छे कामों में, ठीक है ना। अपने आप को आप बिजी रखो अच्छे कामों में, हम यही कहेंगे। तो क्या बताएं, नींद क्यों नहीं आ रही, अपने बारे में बताएंगे तो हंसी तुमको भी आएगी ना, तो हम नहीं चाहते, ठीक है ना। चलिए पढ़ाई करते हैं। तो आज हम सीखेंगे न्यूमेरिकल बैटरी पर बेस्ड, ठीक है ना, कि बैटरी हटा ले जाती है, जोड़ ले जाती है, बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल होंगे, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। 3-4 न्यूमेरिकल होंगे, उसके बाद होमवर्क होगा आपका रोज़ की तरह, और सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप जैसा कि सामने बोर्ड पर देख रहे हो लिखा है, एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल। एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र, ठीक है ना, हम बनाते हैं इधर, वायु है बीच में, अभी एयर है, एयर वैक्यूम भी कह सकते हो, ठीक है ना। प्लेटों का क्षेत्रफल दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया यहाँ पे मैं लिखता हूँ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको SI में चेंज करते हैं तो कहोगे 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी कि 1/10,000 हो जाएगा ना, मीटर का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 एकड़ जाएगा ना, यानी कि 10^-2 m², यानी कि प्लेट्स का एरिया कितना है, 10^-2 m², ठीक है। और आगे दिया है कि इनके बीच की दूरी 5 mm है, इन जो प्लेट्स है ना इनके बीच की दूरी d बराबर 5 mm है। तो यहाँ पे d का मान मैं लिख लेता हूँ 5 mm, का मतलब 5 × 10^3 m, ठीक है। प्लेटों के बीच बैटरी द्वारा 300 वोल्ट विभवांतर स्थापित किया गया है। विभवांतर कितना है, V का मान भी दे रखे हैं 300 वोल्ट, ठीक है ना, ये डेल्टा भी कहते हो, हालांकि चलो V का मान 300 वोल्ट है। कह रहा है प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र बताओ, प्लेटों पर आवेश घनत्व बताओ, संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान बताओ। सेकेंड कह रहा है बैटरी संधारित्र की प्लेटों के बीच रखते हुए, यानी कि बैटरी को जोड़ा गया है, ठीक है ना, प्लेटों के बीच का स्थान एबोनाइट, एक कोई डाइलेक्ट्रिक है उससे भर दिया जाए तो नई स्थिति में प्लेटों के बीच का, यानी कि बैटरी लगी हुई है और उसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक हम इंसर्ट कर रहे हैं, तो दैट टाइम पूछ रहा है कि आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, चार्ज डेंसिटी कितना होगा, एंड पोटेंशियल एनर्जी उनकी कितनी बनेगी, ठीक है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, हम ए वाले को सॉल्व करते हैं। ये हमको 3 इन्फॉर्मेशन पता है, हम ए वाला पोर्शन सॉल्व करने जा रहे हैं। बोल रहे हैं वैद्युत क्षेत्र बताओ, प्लेटों के बीच ई का मान बताओ। तो हमने पढ़ा है वी बराबर ई इंटू डी पढ़ा है, नहीं तो हम कह सकते हैं ई बराबर वी बाई डी होता है, और वी का मान 300 कांस्टेंट है, सब कुछ यहाँ पे बदल नहीं रहा, वेरिएबल होता तो ये नहीं कर पाते हम लोग। और डी का मान कितना है, 5 × 10^-3,
इसका मात्रक वोल्ट, इसका मात्रक मीटर। ए ऊपर जाएगा तो ए हो जाएगा 60, और हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाई 10 पे माइनस 3 वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू 6.0 मल्टीप्लाई बाई 10 पे माइनस 2 वोल्ट पर मीटर। ठीक है ना, ये हमारा सॉरी आप देख सकते हो जैसा कि यहाँ पे ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 3 होगा ना, और प्लस का 3 यानी कि 10 पे पावर प्लस का 4 वोल्ट पर मीटर होगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप ध्यान दीजिएगा। तो ये आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकल गया, इसका ए वाला पोर्शन निकल गया, इसका बी वाला देखते हैं। बोल रहे हैं कि प्लेटों पर आवेश घनत्व, चार्ज डेंसिटी का फार्मूला आपने पढ़ा है सिग्मा, यही होता है ना। चार्ज डेंसिटी क्या होती है? सिग्मा। और सिग्मा बराबर क्या होता है बता सकते हो? सिग्मा का फार्मूला आपको अगर पता है तो अगर मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ई बराबर सिग्मा अपान एप्साइलन नॉट, ऐसा पढ़ रखे हो अपना, तो आप बोल सकते हो सिग्मा बराबर ई इंटू एप्साइलन नॉट। क्यों? इनके बीच जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इनकी वजह से दोनों एक ही ओर जाते हैं, और टोटल ई बराबर क्या? सिग्मा अपान एप्साइलन नॉट बनता है। तो सिग्मा बराबर मैंने बोला ई इंटू एप्साइलन नॉट होगा। ठीक है ना, और ई का मान आपके क्या है बच्चों? यहाँ पे ई की वैल्यू अब ये भी निकाल के आपने रखी है, यहाँ पे देखो जरा 6.0 मल्टीप्लाई बाई 10 to the power 4, और इसका वैल्यू 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर -12। ठीक है, चार्ज डेंसिटी है, कूलाम पर मीटर स्क्वायर होगा इसका वो ए मात्रक। गुणा कर लोगे जब आप 6 5 जा 30, 6 8 जा 48, 51 Q1 कैरी 5 लग गया, और 6 8 जा 48 5 53, और 0.2 प्लेस पर मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर -8, ऐसे कर सकते हो 5.3 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर -7। ठीक है ना, ये क्या आएगा? कूलाम पर मीटर का स्क्वायर। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने वीक अरे ई का मान निकाल के रखा, और इनके क्या बोला कि चार्ज डेंसिटी का भी मान हमने निकाल के रखा ई इंटू एप्सिलॉन नॉट की वजह से। हमने कहा कि ये आएगा 5.31 भी कर सकते हो मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर -7 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। चार्ज डेंसिटी है ना, क्यू अपान ए होता है, क्यू का कूलाम, ए का मीटर स्क्वायर एरिया होता है। चलो सी वाला निकालते हैं। अब कह रहे हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान बताओ। अच्छा बताओ कि इस संधारित्र में आपको क्या क्या पता है? इस संधारित्र का क्या आपको कैपेसिटेंस पता है? क्योंकि संचित ऊर्जा यू बराबर जो होगा ना, इनर्शियल है यही, अभी अभी सब इनर्शियल ही तो चल रहा है, सब इनर्शियल ही चल रहा है, इसी की वजह से हम यहाँ पे सारा काम करेंगे। कहोगे 1/2 CV का स्क्वायर, क्योंकि चार्ज हमको पता नहीं है, हो सकता है सी का मान हम लोग निकाल लें। क्यों? अगर कोई पूछता है कि पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितनी होगी, तो हमने पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल टू 1/2 CV का स्क्वायर। तो अब आपको परेशानी हो रही होगी, आप सोच रहे होगे कि सर सी का मान कहाँ से निकालें। तो बच्चों हमको पता है 1/2 C, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है? ए एप्साइलन नॉट अपान डी, फार्मूला हमने प्रूव किया है, पढ़ भी रखा है। और वी की वैल्यू कितनी है? 300 वोल्ट का होल स्क्वायर। एरिया का मान भी हमको पता है, एरिया कितना दिया है? 10 पे पावर -2, और इसकी वैल्यू 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर -12, और डी की वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर -3। ठीक है, और ए हो गया 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर 4। ओके, तो आप देख सकते हो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 9 बाई 5। अब इनको सॉल्व कर लो, अब यहाँ पे 8.85 भी है, 10 पे -2 -2 -12 -14, और ये +4,
10 पे पावर माइनस 10 ऊपर जाएगा ए माइनस 3, तो 10 पे पावर कितना होएगा माइनस का 7, ठीक है। अरे भाई देखो माइनस 12 माइनस 2 माइनस 14 और प्लस 4 माइनस 10 ऊपर जाएगा प्लस 3 होगा माइनस का 7 होगा। इनको साल्व जब करोगे तो ए आएगा 5 1 5 और 3 8 5 7 35 5 7 35 ए 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे जब तो ए आएगा 2 8 16 और 117 2 8 16 25 इतना आएगा, ठीक है ना। 1.77 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो आएगा। आ जाओ यहाँ पे, अब यहाँ से मल्टीप्लाई करो 9 5 45 5 कैरी 4 हो गया, 9 8 72 4 76 6 कैरी 7, 9 8 72 और 779 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर माइनस 7 और यहाँ पे आप यहाँ पे लगा दो, ये हमारा क्या आ गया जूल में एनर्जी आ गया 7.965 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर माइनस 7 जूल हमारी एनर्जी यहाँ पे आके रखी है। तो हमने पहला वाला सारा केस निकाल दिया। इन्होंने कहा कि आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया। बोले इन्होंने कि आप निकालो चार डेंसिटी, अभी निकाल के रख दिया। इन्होंने बोला कि आप बताओ क्या एनर्जी बताओ, यह अभी निकाल के रख दिया। सारा काम हो गया ना, चलो कोई बात नहीं, इनको नहीं मिटाएंगे, इनको मिटा देते हैं। ये सब बातें आपको पता है ना, क्योंकि इसी का आंसर इसी में छिपा हुआ है। हम लोग सारे कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं ना, तो इसलिए कहीं पे हमको दिक्कत नहीं होगी। चलिए ऐसे ही बता देते हैं आपको। कह रहा है यदि बैटरी संधारित्र की प्लेटों के बीच रखते हुए प्लेटों के बीच का स्थान एबोनाइट जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल टू 2.6 है से भर दिया जाए तो नई स्थिति में प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड चार डेंसिटी एंड पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितनी होगी, स्टोरेज एनर्जी कितनी होगी, स्टोर्ड एनर्जी, ठीक है ना। कोई बात नहीं, तो आपने अभी पिछले वाले लेक्चर नंबर 20 में पढ़ के आए हो यहाँ पे कि अगर हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो चार्ज होता है वह के टाइम बढ़ जाता है और जो पोटेंशियल होता है वो बदलता ही नहीं है, वो वही रह जाता है। जो आपका एनर्जी होता है वह भी के टाइम बढ़ जाता है, बस इतना ही काम ही हमको है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कॉन्स्टेंट होती है, नहीं तो आप कह सकते हो अगर ये पूछ रहे हैं कि प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही रह जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे निकाल रखे हो, यही वाला हो गया बी वाले के पहले का आंसर, यही हो जाएगा। क्योंकि अगर बैटरी आप कनेक्ट करके रखे हो दैट टाइम ई बदलेगा ही नहीं, ई नीचे आप सोच सकते हो कि जब नीचे ई मतलब कि ई लगाते हो फिर ऊपर ही आके के कट जाता है, ऊपर नीचे होकर के नीचे के लगाते हो के टाइम घटता तो है बट ऊपर बढ़ जाता है चार्ज ना। अभी पीछे वाला लेक्चर देख के आए हो तो वहां पे हम चर्चा नहीं ज्यादा करना चाहते, ई वही रह जाएगा, ठीक है ना। चार्ज डेंसिटी पूछ रहा है यह कितना होगा, तो जैसे कि अगर बैटरी कनेक्ट है तो हमारा जो चार्ज क्यू से क्या हो जाता है के क्यू हो जाता है, के मतलब कि के टाइम बढ़ जाता है ना। और यही बात मैं अगर आपको बताऊं कि सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ए, तो अगर यह के गुना हो गया क्यू से के क्यू हो गया तो सिग्मा भी तो के गुना हो गया, सिग्मा भी यहाँ से के गुना नहीं हो गया। तो यहाँ पे आप कह दो कि जो चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा इतना गुड़े के, यानी कि 5.31 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई के की वैल्यू 2.6, ठीक है ना, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। बस हो गया आंसर, मल्टीप्लाई कर लो आ जाएगा। तो समझ में आ गया ना कि के टाइम में बढ़ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वही रह जाती है। तीसरा कह रहा है आवेश वर्त हो गया, संचित ऊर्जा बताओ, संचित ऊर्जा भी क्या होता है के टाइम बढ़ जाता है, तो के टाइम बढ़ा दो इनको भी 2.6 है ना, ये भी आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। यानी कि अब बी वाले का तीसरे का आंसर है संचित ऊर्जा और ये बी वाले का दूसरे का आंसर है, ठीक है ना। तो अगर आप लेक्चर नंबर 20 नहीं देखे हो तो जाके अच्छे तरीके से उसको देख लो, मेंटेन कर लो, मज़ा आएगा। कोई भी न्यूमेरिकल इतना कठिन होता नहीं कि हमको परेशान कर सके, तो उम्मीद करते हैं आप वहाँ पे जाके देखोगे जरूर एक बार, ठीक है ना। करना क्या है भाई, करना क्या, हमने पढ़ा है कि जब बैटरी कनेक्ट होती है बैटरी डिसकनेक्ट होती है तो दैट टाइम डायलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने पर हमारे कैपेसिटर पर इफेक्ट क्या पड़ता है, यही सारी बातें हमने वहाँ पर बताई हैं और यहाँ पर अप्लाई किया, तुरंत क्वेश्चन लग गया,
ठीक है, तो इनको इरेज करने का मौका दो तो हम आगे लगाएं। कुछ है नहीं यार, सब आसान सा ऐसे ही। अगर कॉन्सेप्ट नहीं देखो तो मैं पक्का बोल रहा हूँ, जाके देख के आ जाओ, सब कुछ आसान लगेगा। तो इनको मिटाने का मौका दो, आप इसके साथ ले सकते हो, सारी बातें समझ सकते हो, जो मैं पॉइंट बताया हूँ उसको नोट भी कर सकते हो, अगर पीछे का वीडियो देखने का मन ना करे तो। लेकिन वहाँ जाके देख लो, सब कुछ बेहद आसान हो जाएगा। इनको मिटाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नेक्स्ट कर सकते हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया, टॉप क्वालिटी का, आपको कहीं परेशानी नहीं हो सकती। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य 0.05 मीटर की दूरी है। ये हमारे पास, मान लो आप कोई पैरेलल प्लेट है, इनके बीच की दूरी डी बराबर 0.05 मीटर है, ठीक है। इनके बीच बोल रहे हैं वैद्युत क्षेत्र जो ई है वह 3×10⁴ वोल्ट पर मीटर का बना रहा है, स्थापित किया गया है। बाद में बैटरी से इसको संबद्ध कर दिया जाता है, इसको बाद में बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, बाद की बात है। तथा 0.1 मीटर अनावेशित एक धातु की प्लेट को संधारित्र के मध्य पट्टिकाओं के समांतर प्रविष्ट कराते हैं। मतलब कि बैटरी कनेक्ट, ए प्लस वाला माइनस वाला, यहाँ पे बैटरी को कनेक्ट करा दिया गया, 20 वोल्ट मान लो है विभवांतर इनका अभी, और कह रहे हैं 0.1 मीटर मोटी, यहाँ पे एक मोटी पट्टी, देखो जरा। अब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक काम करेगा, आप जान ही रहे हो इसकी मोटाई कितनी है। अगर मैं उसे थिकनेस टी से रिप्रेजेंट करूँ तो इसका थिकनेस टी बराबर कितना है, 0.01 मीटर। चूंकि ध्यान देना, यहाँ पे धातु लिखा है, अनावेशित धातु है, चार्ज नहीं है लेकिन मेटल है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता, जीरो होता। मेटल के जो सारे चार्ज सब अंदर भाग, सब मतलब कि सरफेस पर भाग आएंगे, फिक्स है। और मेटल के अंदर जो चार्ज हो, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वह जीरो होती है, क्योंकि मेटल के अंदर चार्ज नहीं पाए जाते। सब जब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड गुजरेगा सभी चार्ज होंगे, अभी अनचार्ज हैं, सब चार्ज होंगे, सब सतह पर भाग जाएंगे, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ही नहीं, तो उसका मान जीरो होता है। ये तो आप सेट कर लो माइंड में या नोट में लिख लो कि मेटल, मैंने कई बार बताया कि मेटल के अंदर ई का मान जीरो होता है। चलो आ जाओ यहाँ पे। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रविष्ट कराते हैं प्लेटों के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है, स्थितियाँ यहाँ पे दी गई हैं। पहले, धातु की प्लेट को प्रविष्ट कराने से पूर्व विभवांतर कितना होगा। अभी धातु की प्लेट नहीं डाली गई है, इंसर्ट नहीं करी गई है, तब बोल रहे हैं V बराबर कितना होगा, तो हमने पढ़ा E इंटू डी, और E की वैल्यू दिए हैं ये खुद 3×10⁴, और D की वैल्यू टोटल इनकी है 0.05, ये हो जाएगा 0.15×10⁴, यानी कि 1.5×10³, यानी कि 1500 वोल्ट, ठीक है ना, कैलकुलेशन आराम से हो गया। दूसरा वाला हम देखते हैं। कह रहे हैं प्रविष्ट कराने के पश्चात, जब यह पट्टी मैंने प्रविष्ट करा दी, पट्टी का एरिया मतलब इन्हीं के बराबर है, आप यह मत सोचिएगा कि एरिया कम ज़्यादा है, बराबर है उसी के, इस प्लेट का एरिया इसके बराबर है, ठीक है ना। प्रविष्ट कराने के बाद पूछ रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो हम जानते हैं वी बराबर, हमने सब कुछ देख रखा है। एक बार इस एयर के लिए बताएंगे, कहोगे सर E1 और इसका D1, इसकी मोटाई मान लो अभी D1 अभी रखा जाएगा, प्लस एक बार इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी मोटाई E2 D2। चलो आ जाओ, बस यही तो है। तीन लोग होते, तीन बार करते, चार लोग, चार बार करते, जितने लोग एलिमेंट हैं सबको E1 D1 प्लस E2 सबको कर दिया जाएगा ऐसे ही। इस पर क्वेश्चन करके आए हो अभी हालांकि। अच्छा, तो E1 की वैल्यू, एयर के लिए E का मान कितना है, इस वाले चार्ज के लिए E का मान 3×10⁴, और D1 की वैल्यू जरा बता दो हमको। देखो इसकी मोटाई 0.01 है और इसकी मोटाई ये पूरा 0.05 है, निकल जाएगा तो आ जाएगा 0.04, और प्लस E2, अब बताओ इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो है। D2 कुछ भी हो, क्या करना है, सब जीरो हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 12×10⁴, यानी कि 1200, ठीक है ना।
1200 वोल्ट आएगा। बस ये भी बात आपकी क्लियर हो गई, ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी आ गया। यानी कि जब हमने ये क्या बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक को डाला, तभी हमारा आंसर कितना आ रहा है 1200 वोल्ट का, और जब नहीं डाला था तब कितना आ रहा था 1500 वोल्ट का आ रहा था। अब अगला क्या कह रहे हैं, यदि धातु की प्लेट के स्थान पर, ये धातु का जो प्लेट है इनके स्थान पर, वैसे भी मेटल के लिए आप जानते हो ना सब कुछ, मेटल का हाल ही जानते हो, के का मान इनफाइनाइट होता है, मैंने दिखाया था वहाँ पे भी, वहाँ से भी तोड़ फोड़ कर सकते हैं, लेकिन कोई बात ही नहीं है। कह रहे यदि धातु की प्लेट के स्थान पर किसी परावैद्युत के बराबर दो के पदार्थ की प्लेट को प्रविष्ट कराते तो विभवांतर कितना होता। के का मान अगर दो होता, यहाँ पे धातु ना होती, तब विभवांतर कितना होता। तो अगर इसको सी नाम दे दें सी, तो यहाँ भी सी का आना पड़ेगा V बराबर E1 D1 प्लस E2 D2, होगा ना। चलो कोई बात नहीं। अच्छा E1 का मान कितना है, यही है, ये तो टोटल यही 1200 लिख लो ना, 1200 प्लस E2 D2 हमको अब निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अब मान लो ये डाइलेक्ट्रिक का काम कर रहा है, कोई डाइलेक्ट्रिक पड़ गया है तो कितना हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, E इनर्शियल जो होता है, यानी कि E1 का K गुना हो जाएगा, मतलब कि उसका के गुना कम हो जाएगा। और D2 कितना है स्टूडेंट, D2 की वैल्यू 0., इसकी मतलब मोटाई 0.01, ठीक है। ये हो जाएगा 1200 प्लस E1 की वैल्यू, E1 की वैल्यू आप 3×10^4 मल्टीप्लाई बाई 0.01 होल का अपान, K की वैल्यू कितनी दिए हैं यहाँ पे, दो दिए हैं क्या, हाँ K का मान दो दिए हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, ये हो जाएगा 1200 प्लस ये हो जाएगा 300/2 150, ये हो जाएगा 1350 बोल्ट, ठीक है। बस इतना ही तो करना था, बात ही खत्म हो गई इतने पे। तो कितना आसान है, वही ना मैंने बोला अगर कॉन्सेप्ट सारा क्लियर है तो फिजिक्स का न्यूमेरिकल बहुत ही आसान होता है। अच्छा एक बात मैं बता दूं, ये पट्टी मान लो फिगर बुक में देते, पट्टी बीच में कर दे तो, पट्टी बीच में कर दे तो, मान लो ऐसे हो जाए पट्टी बीच में कर दे तो क्या करोगे, इनका अलग इनका अलग इनका अलग निकालोगे, नहीं ना, नहीं निकाल भी सकते हो, खैर कोई बात नहीं, मोटाई के बेस पे निकाल सकते हो, लेकिन ये अभी एयर का काम कर रहा है, अभी एयर का काम कर रहा है, तो दोनों को एक में मिला लो, ठीक है ना। यानी कि इनको ऐसे डाल लो आप, ऐसे भी इनको बगल में कहीं कर दो, वही चीज़ तो अब भी है, वही चीज़ अब भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता वहाँ पे, चाहे बीच में डाल लो तब भी ये वाला इतना एयर बचा, किनारे करोगे तब भी इतना एयर बचेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए आप परेशान मत होना। तो एक क्वेश्चन लग गया, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, इनको इरेज करते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, बेहद ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और मज़ेदार, ठीक है ना, इसे कहते हैं और मज़ेदार क्वेश्चन, मजा आएगा लगाने में, चलो कोई बात नहीं। कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी धारिता 100 माइक्रोफेरेड है, एक समांतर प्लेट हमारे पास, एक कोई कैपेसिटर है 100 माइक्रोफेरेड, इनका सी नॉट है अभी प्रारंभिक वाला, 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। अच्छा सोचो जरा, 200 वोल्ट की बैटरी है, 200 यहाँ ए जीरो, तो यहाँ भी 200 लग ही जाएगा, यानी कि वी नॉट का मान भी लिख सकते हो 200 वोल्ट, ओके। और कह रहा है कि अब एक परावैद्युत पट्टी यानी कि डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हो K = 5, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान 5 है, प्लेटों के बीच के स्थान पर खिसकाई जाती है, स्थान में यहाँ से नहीं ऊपर से ला रहे हो, ठीक है। तो कह रहे ज्ञात करो बैटरी से प्रवाहित अतिरिक्त आवेश। अब जान रहे हो आप कि अगर बैटरी कनेक्ट है, ध्यान देना यहाँ पे बैटरी क्या है, कनेक्ट है, बैटरी से जोड़ा गया है, बैटरी कनेक्ट है तो क्यू का मान पक्का बढ़ना पड़ना है, के गुना बढ़ जाता है ना क्यू का मान, तो कोई बात नहीं, अगर क्यू का मान पता हो जाए तो के गुना बढ़ा देंगे 5 गुना और क्या। तो बोल रहा है बैटरी से प्रवाहित अतिरिक्त आवेश तथा बैटरी द्वारा किया गया कार्य बताओ पहले, फिर बात बताना है कि संधारित्र की ऊर्जा में परिवर्तन बताना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन कर सकते हो। देखो जरा सी नॉट का मान कितना दिया है 100 माइक्रोफेरड, वी नॉट का मान कितना दिया है 200 वोल्ट, तो बताओ अच्छा क्यू नॉट कितना आएगा, सी नॉट इंटू वी नॉट
फार्मूला पढ़े हो, c बराबर q बाई वी होता है तो q बराबर cv होता है। ये हो जाएगा 100 गुणे 200, यानी कि 2 के आगे 4 जीरो लगा देंगे, ठीक है ना, 2 के आगे 4 जीरो माइक्रो कूलाम। बात हमारी आपको समझ में आ रही नहीं आ रही है, मैंने क्या बोला, सी 100 माइक्रो फैरड है, 100 माइक्रो फैरड यहाँ पे लगा दिया, माइक्रो में आंसर भी आया है, और वोल्टे यानी कि 20,000 माइक्रो कूलाम। माइक्रो को हटाना चाहते हो तो 10 पे पावर -6 कूलाम, ये हो जाएगा 2.0 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर -2 कूलाम। शुरुआत में चार्ज इतना था, ठीक है। तो बोल रहे हैं बैटरी से प्रवाहित अतिरिक्त आवेश, ये तो हो गया कि विदाउट डाइलेक्ट्रिक का केस है, विदाउट डाई इलेक्ट्रिक, अभी कुछ नहीं पढ़ा है, अब हम बात करने जा रहे हैं विद डाई इलेक्ट्रिक की। अब Q कितना हो जाएगा, Q फाइनल पे आ जाओ, इसका 5 गुना बढ़ जाएगा, K का मान 5 है ना, तो 5 गुणे क्यू नॉट यानी कि 5 गुणे 2 गुणे 10 पे घात -2 यानी कि 10 गुणे 10 पे घात -2, ठीक है ना, और यहाँ पे लिख सकते हो 10 पे पावर -1 यानी कि केवल आएगा, चलो कोई बात नहीं, ये आ गया कूलाम माइक, हाँ कूलाम में केवल आएगा। चलिए अच्छा बताओ क्यू इनर्शियल इतना फाइनल कितना इंक्रीज करा, ये तो इंक्रीज किया ना, तो इंक्रीज यानी कि डेल्टा क्यू का मान निकाल दो जरा, तो क्यू फाइनल माइनस क्यू इनर्शियल, कोई भी चीज़ अगर मान लो 5 से 15 हो गई, शुरुआत इनर्शियल 5 है फाइनल 15 है, तो कितना बड़ा, 15 - 5 बड़ा, वही इतना बड़ा, यानी कि 10 पे पावर -1 माइनस यहाँ वाला निकाल दो 2 गुणे 10 पे घात -2, ठीक है, इनको हम लिखेंगे 1/10 -2/100, ठीक है। अब इनको यहाँ से अगर मैं बढ़ाऊँ तो ये हो जाएगा 100 -20/1000 ऐसे, तो ये हो जाएगा 80/1000, ये कट जाएगा 8 × 10 पे घाते -2 कूलाम, इतना इंक्रीज किया है चार्ज, इतना चार्ज इंक्रीज किया है 8 × 10 पे घाते -2 कूलाम, ठीक है ना। अब पूछ रहे हैं कि बैटरी द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाय बैटरी कितना, तो होता है वर्क डन बाई बैटरी पूछ रहा है ना, तो आपने क्या पढ़ा है W बराबर क्या पढ़े हो, V इंटू डेल्टा क्यू, भी आपने पढ़ के रखा है W बराबर, एक फार्मूला आपने W बराबर V इंटू डेल्टा क्यू इसी चैप्टर में शुरुआत में पढ़ रखे हो, V की वैल्यू कितनी। अब एक बात और जान लो, अच्छा बताओ डाइलेक्ट्रिक के डालने के बाद क्या हमारा V बदलेगा, बैटरी कनेक्ट है तो V चेंज होगा नहीं, V तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा, V का मान यानी कि 200 वोल्ट ही रहेगा, 200 वोल्ट, और कितना बड़ा है 8 × 10 पे घात -2 यानी कि 1600 × 10 पे घात -2 सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 16 जूल, ठीक है ना, ये तो आंसर हो गया इसका। क्या पूछे कि बैटरी से प्रवाहित अतिरिक्त आवेश यही है हमारा, एक आंसर तुम्हारा यही आ गया, और बैटरी द्वारा किया गया कार्य पूछ रहे हैं, 16 जूल कार्य की है बैटरी। अब बोल रहे हैं कि संधारित्र की ऊर्जा में परिवर्तन पूछ रहे हैं, बड़ा अच्छा सवाल पूछ रहे हैं, ऊर्जा में परिवर्तन कितना, यानी कि शुरुआत वाली ऊर्जा निकालनी पड़ेगी और एंड वाली ऊर्जा निकालनी पड़ेगी, ठीक है, इनको मिटाते हैं, तब इनको नोट कर लो, हम हट गए हैं, नोट कर लो आप, चलो देख लेते हैं अभी हम। तो कह रहे हैं कि बैटरी की ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ संधारित्र में ऊर्जा में कैपेसिटर के, यानी कि हमने पढ़ा है U बराबर इनर्शियल निकाल लो फाइनल निकाल लो और क्या, तो डेल्टा U निकल जाएगा, ऐसे लिख लो, तो शुरुआत में लिख लेते हैं U डेल्टा U यानी कि परिवर्तन, यानी कि U फाइनल माइनस U इनर्शियल, बैटरी कनेक्ट है पॉजिटिव आने वाला है ये भी जान लो, अगर बैटरी हटा ली गई होती तो नेगेटिव आता। U फाइनल कितना आएगा, तो कहोगे हाफ C फाइनल V फाइनल का स्क्वायर, ये कितना आएगा हाफ C नॉट V नॉट का स्क्वायर शुरुआत वाला। अब C फाइनल कितना आएगा वो तो ये पता चल जाएगा, पहले चलो आ जाओ निकाल लो, C नॉट की वैल्यू कितनी है 100 माइक्रो फैराड,
और वी नॉट की वैल्यू कितनी है 200 वोल्ट। वी फाइनल, चूंकि वी फाइनल बराबर वी इनर्शियल तो है, ये तो बदलने वाला है नहीं, लेकिन सी फाइनल बदल जाएगा, के सी नॉट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूं कि 1/2 सी फाइनल की वैल्यू के सी नॉट, और के का मान 5 है और सी नॉट की वैल्यू 100 माइक्रोफेरेड है, मल्टीप्लाई बाई वी एफ, यानी कि फाइनल वाला जो पोटेंशियल है वह कितना है, शुरुआत फाइनल बराबर है, तो 200 का स्क्वायर माइनस 1/2 सी नॉट की वैल्यू 100 माइक्रोफेरेड गुड़े वी नॉट की वैल्यू कितनी है 200 का होल स्क्वायर। एक काम कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5/2 मल्टीप्लाई बाई 100, माइक्रो को हटा देते हैं, नहीं ये हो जाएगा 4, 1, 2, 3, 4, 0 माइनस 1/2 गुड़े 100, ये अलग है, ये अलग है, गुड़े 10^6 माइनस 6, ये 4, 0। अब यहाँ पे देखो ये आ जाएगा 5/2 मल्टीप्लाई बाई 4, 0, 6 यानी कि गुड़े 4 लग जाएगा, माइनस 4, 6 यानी कि 4/2 गुड़े 10, ओहो 4/2 आएगा, वो तो ख़त्म हो गया बस। अब यहाँ पे बोल सकते हो 8 हो जाएगा 10 माइनस 8 यानी कि 8 जूल का परिवर्तन होगा, संधारित्र की ऊर्जा में कितना का परिवर्तन होगा, 8 जूल का परिवर्तन होगा, शुरुआत में यह था फाइनल यह हो गया और घटाया तो 8 जूल का आ गया। अलग अलग भी कर सकते थे, इनर्शियल अलग निकाल के फाइनल घटा दिया होता तब भी हो जाता, तो नॉर्मली यही क्वेश्चन आते हैं, इससे कठिन कुछ आता भी नहीं है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं, आपको एक होमवर्क देते हैं क्योंकि अब रात भी ज़्यादा हो चुकी है, बड़े बड़े क्वेश्चन नोट करने में टाइम लगता है ना। तो एक आपको होमवर्क देते हैं, आप उसको करके ज़रूर बताइएगा, हम तब जान जाएंगे हाँ आपको आया कि नहीं आया। इसको मिटाते हैं तब आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो या पुश करके नोट कर लो, ठीक है ना, हम हट चुके हैं अब। चलो तो स्टूडेंट ए आपका हो गया होमवर्क, लिखा एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 50 पिको फेरेड है, पिको यानी कि 10^-12, वह प्लेटों के बीच की दूरी 4 mm है, इसे बैटरी द्वारा 200 वोल्ट तक आवेशित करके बैटरी को आपके पास हटा लिया गया, ठीक है ना। तो हटाने पर आप सारा केस जान रहे हो, फिर प्लेटों के बीच 2 mm मोटी परावैद्युत पट्टी रखी जाती है, डाली इंसर्ट करी जा रही है, ज्ञात करो प्रत्येक प्लेट पर अंतिम आवेश, संधारित्र में अंतिम ऊर्जा, ऊर्जा परिवर्तन, ठीक है ना, शुरुआत में और अंतिम में घटाना है लास्ट वाला। तो इसी के साथ वीडियो को क्लोज करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अभी लगभग कम से कम 3 बनेगा और 3 वीडियो और बनेगा इस टॉपिक पे, इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो आप पढ़ते रहो, हंसते रहो, खुश रहो, मजबूती के साथ पढ़ाई करते रहो ताकि किसी से कभी पीछे ना हो, ठीक है ना। मैं यही कामना करता हूँ भगवान से कि आप ज़िंदगी में सबसे आगे रहो, लेकिन मेहनत करोगे तब, तब तक के लिए आप हंसते रहो, पढ़ते रहो, खुश रहो, ऑल द बेस्ट।